कौन है? पता नहीं। मेरे किसी भी आदमी से कांटेक्ट नहीं हो रहा है। मुझे ये भी नहीं पता कि बच्चे कहां पर है। ऑल यूनिट्स डाउन। कैसे हो अंकल? आपके लोग बेवकूफ हो सकते हैं, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए, खुद की जान बचाने के लिए आप 15 बच्चों की बलि चढ़ाओगे। 13 साल की उम्र में मैंने अपने बाप को मारा था, तो मुझे इन बच्चों को मारने में कोई तकलीफ नहीं होगी। आज आपकी कम्युनिटी में 15 लाशें पहुंच जाएंगी और आप जिंदगी भर खुद को माफ भी नहीं कर पाओगे। ये आपके जमीर को चुभेगा नहीं? चलो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। मैं अभी आपको एक आखिरी मौका देता हूँ, सोच लीजिए। इन बच्चों की जान बचाने का आपको मौका मिले तो आप क्या करेंगे? उन्हें बचाओगे या हमेशा की तरह डर के भाग जाओगे? बताओ मुझे क्या करना होगा। आपकी दुकान पर जाइए और फिर ठीक दूसरे काउंटर पर ठीक सामने देखिए, वहां पे आपको एक बोतल दिखाई देगी। मैं जानता हूँ आपको रिस्क लेने से डर लगता है, इसलिए आसान सा रास्ता दिखाया। अगर आप चाहते हो कि बच्चे 10 मिनट के अंदर आपकी कम्युनिटी में सेफली वापस पहुंच जाए, तो वो बोतल खोलिए और उसके अंदर का लिक्विड पी जाइए।
मुझे माफ कर दे, मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मुझे वापस लौटना ही पड़ा। मुझे पता होता आपकी बेटी को खतरा है तो मैं खुद आपको वापस जाने को कहता। मैं जानता था आप पापा को कुछ नहीं करेंगे, हम सब एक परिवार जैसे ही हैं। पापा? शिवा बेटा, आ गया तू? तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ पापा। सुखी रहे बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। क्या हुआ पापा? मेरे लिए इतना ही काफी। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अब मेरे पास टाइम नहीं है। पापा, पापा क्या हुआ? पापा, 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 पापा खून क्यों आ रहा है? पापा, कोई एम्बुलेंस बुलाओ प्लीज। मुझे माफ कर दे बेटा। किस बात के लिए? मैंने जहर पी लिया है। बच्चों को बचाने का कोई और तरीका नहीं नजर आ रहा था। याद है 25 साल पहले तूने 10 मिनट मांगा था। चल गाड़ी में बैठ जल्दी। पापा मेरी बात सुनिए, मुझे 10 मिनट के लिए वहाँ जाने दीजिए, मैं पता लगा सकता हूँ अंकल को किसने मारा। पापा, अगर मैं उस दिन भागने की कोशिश नहीं करता तो राजीव इतना बड़ा क्रिमिनल नहीं बनता, ऐसा राक्षस कभी नहीं बनता वो। बेटा मैं तुझसे हमेशा यही कहता रहा कि रिस्क मत लेना, भले ही मैंने तुझे पाल के बड़ा किया है पर तू मेरे जैसा नहीं है, तू अपनी माँ की तरह है। जब कभी किसी को तकलीफ होती थी ना, मदद करने के लिए तेरी माँ जब आगे आती तो मैं उस पर बहुत गुस्सा करता था। लेकिन बेटा जब तक इस दुनिया में राजीव जैसे लोग हैं, हमें तेरी माँ और तुझ जैसे लोगों की जरूरत है। तू होशियार है, काबिल है और ताकतवर भी, पर तेरी एक कमजोरी है तेरा बाप। बेटा नहीं पापा, तू आपको कुछ नहीं होगा। पापा 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 उठिए पापा, आपको कुछ नहीं होगा। पापा पापा एम्बुलेंस आ गई है, मुझसे बात कीजिए। पापा आंखें खोलिए। पापा पापा आराम से पापा पापा एम्बुलेंस भी आ गई है। पापा आपको कुछ नहीं होगा, हम आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। पापा एम्बुलेंस भी। पापा थोड़ा सा और वक्त दे दीजिए, मैं आपको जरूर बचा लूंगा। पापा पापा बस हॉस्पिटल तक जाना, ज्यादा दूर नहीं है पापा, मैं आपको बचा लूंगा। पापा अंकल आप बताइए ना, आपकी आवाज सुनेंगे तो जाग जाएंगे। दीदी आप इनसे कहिए ना, आपकी आवाज सुनेंगे तो पक्का जाग जाएंगे, कोई कुछ कहो ना इनसे। पापा बस थोड़ा सा वक्त चाहिए पापा, प्लीज पापा मुझे छोड़ के मत जाइए। शिवा तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। पापा पापा तुम्हें इस तरह से रोता देख मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। वैसे तुमने सारे बच्चों को छुड़ाकर सारी कम्युनिटी को उनकी खुशी लौटा दी, लेकिन अपने खुद के बाप को नहीं बचा पाए। क्या यार, वो तो पागल थे, जैसे 25 साल पहले थे उतने ही भोले थे बेचारे। उनको लगा कि ऐसा करने से सारे बच्चे बच जाएंगे और कुछ सोचे बिना ही उन्होंने जहर पी लिया। क्या कहा था तुमने? तुमने कहा था कि गुस्से में मेरा दिमाग काम नहीं करता। What was that? Emotionally unstable. क्यों? अब तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है? मुझे मारने की इच्छा नहीं हो रही है? ए, अब जाकर हम बराबर हुए हैं। मैं तुझे मेरी औकात पर ले आया हूँ, अब आ जा मेरे पास। मुझे पता है कि अब तू मेरे पास आएगा। ये सोच के अपना सर मत फोड़ना कि मैं कहाँ हो सकता हूँ, मैं ही बता देता हूँ। सिटी टावर 54th फ्लोर है, चला जा।